सफलता 2 से 3 दिन पहले निकले हुए थे, पर क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रश होगा जी, क्योंकि जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रात को यहाँ पर ये पूरे रास्ते अभी से ही बंद कर दिए गए, क्योंकि शिवरात्रि है और कल सुबह जब कांवड़िए पहुंचेंगे अपने शिव के दरबार जल अभिषेक के लिए, इसलिए आज विश्राम भी कर रहे हैं और भीड़ ज्यादा संख्या में होगी। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी भोपाल से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बाकी राज्यों का हाल तो हमने जान लिया, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ क्या इंतजाम है शिवरात्रि को लेकर, कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर? बिल्कुल, उसकी बता दूंगा, मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में, उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर, और दूसरी हम बात करें तो गंगा शिव की पुत्री नर्मदा जी का उद्गमन अमरकंटक से होते हुए यहाँ मध्य प्रदेश के कई जिलों में है, और यहाँ पर सीधे तौर पर कांवड़िया हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से पानी लेकर जल अभिषेक के लिए ओमकारेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर जा रहे हैं और प्राचीन शिव मंदिरों में भी जल अभिषेक कर रहे हैं। वही अगर बात करें व्यवस्था की, तो प्रशासन की तरफ से तकरीबन 900 पुलिस बल सुरक्षा के लिए, जिससे और जगह जगह जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनके लिए सुविधा मुहैया करवाई दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं जिनके समर्थक और उनके जो लोग और कांवड़िया यात्रा लेके निकले हुए और लगातार जल अभिषेक के लिए यहाँ ओमकारेश्वर और उज्जैन की ओर कर रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों से भी बातचीत करिए, क्या इंतजाम किए गए हैं, और क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, ऐसा देखा गया है कि असामाजिक तत्व भी होते हैं कुछ जो रोड़ा बनते हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? पहले राजपाल तो हर धार्मिक कार्य में होता है, लेकिन इसके बाद भी कांवड़ियों का उत्साह कहीं से कोई कम नहीं हो रहा है। जगह जगह स्थानीय लोग उनका उत्साह वर्धन करते हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बहुत जोश के साथ कांवड़ यात्रा कर लेकर के कांवड़िया निकलते हैं। आपके किन किन जिलों में या किन किन जगह से लोग आ रहे हैं? देखिए, यहाँ से तो लगभग जो है ना होशंगाबाद के पास में अपना ये घाट है, स्वागत होता है उनको, उनके हर तरह की सुविधा स्थानीय लोग कराते हैं। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में यहाँ से नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है और जगह जगह से कांवड़िया यहाँ जल अभिषेक के लिए जल अभिषेक करने के लिए जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो मुख्य यहाँ पर भेड़ा घाट है जो जबलपुर के पास है। पंडित जी से अगर समय तो पंडित जी हम चलने क्या कुछ यहाँ पर नदी के बारे में पंडित जी क्या कुछ मानता है? अमर कंटक से इनका प्राकट्य होता है नर्मदा जी का। एक बार इन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, तपस्या की और भगवान से प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिएगा, तो माँ नर्मदा जी ने कहा कि मेरे लिए आपका आशीर्वाद चाहिए है और आप जो जैसे गंगा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं ऐसे ही आप मेरे से जल का अभिषेक कराएं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं उनको गंगा को जो है सिर पर धारण करे हुए हूँ और मैं आपको जो है जो भी आपके नर्मदा जी में जितने भी पत्थर हैं वह सब मेरे शिवलिंग कहलाएंगे, इसलिए उनका एक नाम है नर्मदेश्वर भगवान शिव का। जब से वो बहुत प्रसन्न रहते हैं इसलिए हमारे यहाँ अमरकंटक से प्राकट हुई है नर्मदा जी, और नर्मदा जी अमरकंटक से जबलपुर होते हुए भेड़ा घाट से भी आते हैं, हमारे यहाँ से कांवड़िया होशंगाबाद से आते हैं और उज्जैन और ओमकारेश्वर जाते हैं और वहाँ पे जाके भगवान जो है महाकाल का अभिषेक करते हैं और ओमकारेश्वर में भगवान जी का अभिषेक करते हैं और मन वांछित फल को प्राप्त करते हैं, यही नर्मदा जी की महिमा है। काशीराम जी आप सुन पा? हेलो जी, बिल्कुल शैलेंद्र, आप ये भी जानना चाहेंगे कि हाँ सुबह से शुरुआत तो हो ही जाती है लेकिन क्या शुभ मुहूर्त जो रहता है उसका क्या महत्व रहता है? कहा जा रहा है कि 7:30 से 9:30 बजे ये जो 1.5-2 घंटे हैं वो काफी अहम होते हैं, इसका क्या लाभ होता है? काशीराम जी, आपके नेतृत्व में सैकड़ों हजारों कांवड़िया जा रहे हैं, क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ कौन सा वह समय होता है 7:30 से 9:30 का समय, दूसरा सावन का सोमवार है, क्या कुछ होता है? सावन के महीने में हर साल कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, उससे महादेव जी प्रसन्न होते हैं और नर्मदा जी का जो जल है वो बुजनी घाट से भी आते हैं कांवड़िया लेके और सेठानी घाट से भी चलते हैं, सभी लोग अपना कांवड़ यात्रा बनाते हैं, उसमें दोनों तरफ वो बनाते हैं, जैसे श्रवण कुमार को रखा था उनके श्रवण कुमार ने रखा था उनके माता पिता को, इस प्रकार कांवड़ यात्रा कहलाती हो उसको लेके आते हैं
उज्जैन समय का क्या कुछ महत्व होता है, समय कौन सा समय, साढ़े सात से समय 7 से 8 साढ़े 8 बजे तक का रहता है शाम को। अच्छा, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेके श्रद्धालु भाई, किस तरीके से पूजा अर्चना स्थानीय मंदिरों में, क्या कुछ उनका पहुंच जाते हैं, लोग बाग नहीं जाते तो वो अपने उत्साह से पता लगता है कांवड़ यात्रा कहाँ रही, उनका स्वागत भी करते हैं, स्वागत करने के बाद शामिल हो जाते हैं और अपना उसमें हाथ बटाते हैं। पंडित जी अंतिम सवाल आपसे, शुभ मुहूर्त का थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ मुहूर्त होगा? देखिए क्या श्रावण मास चल रहा है, इसका तो वैसे भी जो है सदैव ही आप कभी भी भगवान शिव पे जल चढ़ाएं। 4 साल बाद अब क्या कुछ महत्व है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को अभी मौका मिला है, इस बार क्या कुछ प्रिय मास तो है लेकिन इस बार कौन सा योग है? जैसे द्वितीय सोमवार है, आज प्रदोष सोमवार है, इस साल में यदा कदा एक ही बार आता है, जैसे कि आज का है, कल शिव चतुर्दशी है, उसमें भी कांवड़िया बहुत से उज्जैन पधारते हैं और वहाँ पे भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके बाद में जो हरियाली अमावस्या आएगी वो भी महापर्व है, उसके बाद में फिर प्रदोष आएगा और सोमवार आएगा और शिव चतुर्दशी आएगी। विशेष जो है इसमें जैसे कि नाग पंचमी है श्रावण में, उसमें विशेष कांवड़िया जाके और उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं उनका। जी, तो और कुछ यहाँ पर सवाल है कि लगातार जिस तरह मध्य प्रदेश में आपके पास हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईशा के पास चलते हैं। ईशा, अब धीरे धीरे करके शाम होती जा रही है और अब सुबह का इंतजार होगा कांवड़ियों को लेकर, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या और इंतजाम आप वहां पर देख पा रही है? जी ईशा, बिल्कुल, अगर मैं ताजा माहौल की यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि